तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्राइड जेंसन यूट्यूब चैनल और मैं नाम है रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर दोस्तों आप जाते हैं अपने मोबाइल का पासबुक ओपन करने तो वहाँ पे आपसे मांगता है कस्टमर आईडी या सीआईएफ नंबर। तो दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि कस्टमर आईडी या सीआईएफ नंबर होता क्या है, क्योंकि दोस्तों आप लोग वीडियो प्ले किए हैं यही देख कर कि कस्टमर आईडी और सीआईएफ का मतलब जानने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की अच्छी अच्छी नई नई बैंकिंग से रिलेटेड, पेटीएम से रिलेटेड और जो भी यूपीआई वगैरह होती हैं हर एक मतलब ऐप से रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो फिर आइए हम यहां पे डिटेल से बात कर लेते हैं आखिर होता क्या है। जैसे हम होता क्या है, हर एक बैंक अपना अपना यहां पे मोबाइल पासबुक लॉन्च की है, तो इससे पहले मैंने इसे वीडियो बनाया था, ठीक है। जैसे यूको बैंक का जो यूको एम पासबुक है तो उसमें अकाउंट नंबर नंबर देने से हो जाता है, ठीक है, लॉगिन हो जाता है। बहुत सारे मतलब बैंकों में इस तरह से आपको अकाउंट नंबर देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, ओटीपी आएगा, हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे बैंक है जैसे पीएनबी हुआ, ठीक है, पीएनबी हुआ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हुआ, इन सब बैंकों में क्या होता है कि हमको कस्टमर आईडी या सीआईएफ नंबर देना होता है। तो आइए डिटेल्स जानते हैं होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कहां से मिलेगा ये हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे हमको कहां मिलेगा, हमको सबसे पहले तो अपने पासबुक पे ध्यान देना होगा। आपके पासबुक अगर करंट नया होगा, ठीक है, तो वहां पे सीआईएफ या कस्टमर आईडी लिखा होगा साफ साफ। कस्टमर आईडी होता क्या है, जैसे आप गए वहाँ पे अपना खाता खुलाने, ठीक है, बैंक गए, तो वहाँ पे एक अलग से अकाउंट नंबर तो आपका होता है या एक सीआईएफ नंबर होता है, यानी कस्टमर नंबर एक तरह से कह सकते हैं होता है, ठीक है, उसे सीआईएफ नंबर कहते हैं। तो वो अलग उसका रूटीन चलता है, अलग पैटर्न चलता है, अकाउंट नंबर का अलग पैटर्न चलता है, तो दोनों अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। तो या तो आपके पासबुक मिल जाएगा, ठीक है, अगर पासबुक पे नहीं है तो फर्स्ट टाइम आपको क्या करना होगा, एक बार आप अपने ब्रांच से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, कह दीजिए सर हमें जो मोबाइल पासबुक की ऐप है ऑफिशियल उसको यूज करना है, हमें अपने मोबाइल में पासबुक देखना है, हमें हमारा सीआईएफ नंबर या कस्टमर आईडी दे दीजिए, ठीक है। तो वो आपको सीआईएफ नंबर या कस्टमर आईडी प्रोवाइड कर देंगे, एक बार वहां से ले लेंगे फिर लॉगिन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई ये सीआईएफ नंबर या कस्टमर आईडी क्या है, इसके बारे में बता दीजिए। तो दोस्तों यहीं से आपको मिलेगा, अगर आपका न्यू अकाउंट मतलब 2019-20 में खुला होगा तो शायद आपके पासबुक मिल जाएगा, कस्टमर आईडी या सीआईएफ प्रिंट हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट पेज पे प्रिंट रहता है। अगर उससे पुराना होगा तो आपको कॉन्टैक्ट करके लेना होगा। दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे हम पासबुक लॉगिन कर रहे हैं तो हमसे मांग रहा था, सबसे फर्स्ट स्टेप में हो रहा है कि हम कैसे इसको फिल करें। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अपना पासबुक वगैरह देखना है और तरह तरह के पैसे वगैरह जो भी स्कीम वगैरह है, उज्ज्वला योजना वगैरह या तरह तरह की जनधन योजना वगैरह, उन सबका पैसा आ रहा है तो चेक करना है, तो देखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी हेल्प आपको कर दूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी रहे, उम्मीद है वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।